हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है बेटा आपकी डेट शीट 2023 के लिए आ गई है तो ये देखिए दैनिक जागरण का आर्टिकल्स है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स 2023 16 फरवरी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएँ होंगी नकल रोकने को सी से निगरानी होगी तो चलिए डिस्कशन करने से पहले आपके पेपर की कब कब है उससे पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की साल 2023 की परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी सोमवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने यह जानकारी दी परीक्षाएं होली से पहले 4 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे अर्थात 16 फरवरी से स्टार्ट होंगी और 4 मार्च को ख़त्म हो जाएंगी आपकी परीक्षाएँ स्टूडेंट्स अब मैंने आपका ये जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है टाइम टेबल है मैंने ओपन कर लिया है तो इसको अगर आप देखें ढंग से तो इस टाइम टेबल में इस्पेशली आपको दिखेगा कि इस साइड में हम दिखा रहे हैं आपको डेट और दिन है इसमें बेटा आपको समय दिया गया इधर इधर हाई स्कूल का दिखाएंगे हम पूरी सीरीज में जिधर होगा और इधर बेटा इंटरमीडिएट के होंगे ठीक है ना तो वन बाई वन करिए चलिए देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपकी हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के डेट सीट है बेटा कि कब आपके होंगे समय कितना होगा बेटा इधर हाई स्कूल का पूरा दिया गया है इस सीरीज़ में इस लाइन में बेटा और इधर पूरा इंटरमीडिएट का दिया गया है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं और इस टाइम टेबल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा चलिए तो इधर देखिएगा तो सबसे जो मेन बात है बेटा वो सोलह फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे हाँ हाई स्कूल का जो टाइम है बेटा वो आठ बज आठ बजे सुबह से ग्यारह बज के पंद्रह मिनट तक होगा ठीक है ना ये होगा बेटा सुबह हाई स्कूल का और सेकेंड मीटिंग दो बजे से लेकर के पाँच पंद्रह तक आपका इंटरमीडिएट का पेपर होगा तो ये जो सवा तीन घंटे का मतलब तीन घंटे पंद्रह मिनट का पेपर है पंद्रह मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं तो पहले दिन सोलह फरवरी को आपको हिंदी का पेपर है हाई स्कूल में तथा इंटरमीडिएट में वहीं पर मिलिट्री साइंस या जिसको सैन्य विज्ञान बोलते हैं और कुछ लोगों का बेटा हिंदी सामान इसमें बेटा ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी लेते हैं कि मिलिट्री साइंस लेते हैं अर्थात पहले ही दिन सैन्य विज्ञान और हिंदी सामान्य है इंटर में ठीक है ना वहीं सत्रह फरवरी को बेटा देखा जाए तो कॉमन लैंग्वेजेज हैं इधर भी कुछ संगीत गायन नृत्य कला है फिर बेटा बीस फरवरी को आपको गर्ल्स के लिए है हो ना होम साइंस का पेपर है और बालिकों के लिए भी बेटा होम साइंस है इधर आपको वाणिज्य है लेखा शास्त्र है नेक्स्ट है उसी डेट को ठीक है ना भूगोल है फिर है बेटा ट्वेंटी वन फरवरी को गणित है हाई स्कूल में और इधर बेटा आपके कई सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं ठीक है इंटर में तो नेक्स्ट है ट्वेंटी टू फरवरी को देखा जाए तो संस्कृत है और इंटर में कॉमर्स है ठीक है ना इसके पहले कंप्यूटर का पेपर था ट्वेंटी वन को नेक्स्ट है आपका ट्वेंटी थ्री फरवरी को कॉमर्स है हाई स्कूल में इधर कॉमन लैंग्वेजेज है बेटा और ट्वेंटी फोर को कृषि है ठीक है ना और हाँ ट्वेंटी थ्री को ही जो बच्चे इंटर में कंप्यूटर लिए उनका भी पेपर दिया गया है इधर ट्वेंटी फोर को देखा जाए तो ट्वेंटी फोर को हाई स्कूल में तो है ना कृषि विज्ञान है जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं उधर इंटर में अंग्रेजी है इनका तो ये काफ़ी गैपिंग पर आपको पेपर देने के लिए मौका मिला है जिसमें आप तैयारी भी कर सकते हैं तो इस तरीके से नेक्स्ट पेपर अगर आपका देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है साइंस का हाई स्कूल में और वहीं पर इंटर में मनोविज्ञान है शिक्षा शास्त्र और तर्क शास्त्र है या फिर उनके अलावा बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं या फिर मैथ जो लेते हैं ठीक है ना फिर नेक्स्ट बेटा ट्वेंटी एट फरवरी को हाई स्कूल में कोई पेपर नहीं है इधर इंटर में बहुत सारे पेपर्स लगे हुए हैं हाँ इंटर में इनके अलावा भी एक पेपर आपका इंपॉर्टेंट है वो है नागरिक शास्त्र का है और या कृषि अर्थशास्त्र का है तो वो बच्चे जो लिए होंगे वो जानते होंगे ठीक है ना इधर बेटा फिर हाई स्कूल में वन एक मार्च को अंग्रेज़ी है और इधर अर्थात भौतिक विज्ञान है तो इस तरीके से देखा जाए बेटा तो पूरा पेपर आपका चार मार्च के पहले, पहले पहले कंप्लीट हो जा रहा है दो मार्च को ना कॉमन लैंग्वेज हैं हाई स्कूल में और वहीं पर कॉमन लैंग्वेज है बेटा इंटर में है हाँ इंटर में कॉमन के अलावा भी है हिस्ट्री है ठीक है ना और किस जंतु विज्ञान है जो बच्चे जिस जहाँ पर लिए होंगे उसको जानते हैं लास्ट इनका बेटा है हाई स्कूल में तीन मार्च को सोशल साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इंटर में वहीं पर कॉमन लैंग्वेज दिए गए हैं ठीक है ना हाँ उनके अलावा भी सेकेंड मीटिंग मीटिंग में मतलब इंटर में संस्कृत का पेपर है और चार मार्च को बेटा हाई स्कूल में कुछ भी नहीं है वहीं पर इंटर में भी कॉमन लैंग्वेज है तो इस तरीके से आपने देखा है कि पूरा जो डेट सीट आई है ये सोलह फरवरी से लेकर के चार मार्च के बीच में कंप्लीट हो गया है सरकार का ये सोचना है कि हम एक अप्रैल से न्यू सेशन आप स्टार्ट कर दें तो चलिए आई होप कि आप लोग बेटा अपनी तैयारी में लग जाएंगे अगर कोई डाउट हो तैयारी में तो आप कमेंट कीजिए हम आपको पूरा टाइम टेबल प्रोवाइड कराएंगे और हाँ इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा